हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ चैप्टर पैरामीटर एंड एरिया। हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। इस नए चैप्टर का नाम है पैरामीटर एंड एरिया। क्या नाम है इसका? पैरामीटर एंड एरिया। अब देखिए बच्चों, ये पैरामीटर एंड एरिया क्या होता है? सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे पैरामीटर के बारे में। किसके बारे में? पैरामीटर के बारे में कि ये पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर क्या होता है बच्चों? पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ द लेंथ, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है पैरामीटर? सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड। क्या होता है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड। कि आपको जो भी फिगर दे रखी है, आपको जो भी फिगर दे रखी है, मान लीजिए आपको ये वाली फिगर दे रखी है, ठीक है, तो आप इसकी हर एक लेंथ, ये जो लेंथ हो गई ना इसकी, ये वाली ये हो गई, ये हो गई, हर एक लेंथ को मेजरमेंट करके इन सब का अगर सम कर दोगे, मान लीजिए ये पांच है, ये दो है, ये भी पांच है और ये भी दो है, जब अगर आप इन सबको जोड़ दोगे, 5 + 2 + 5 + 2 कितना हो गया? 7 और 7 कितना हो गया? 14। तो जो पैरामीटर होगा वो कितना आ जाएगा? 14। पैरामीटर क्या होता है कि जो भी आपको फिगर दे रखी है उसकी सारी की सारी लेंथ का क्या कर दीजिए आप? सारी की सारी साइड्स की जो लेंथ है उसका क्या कर दीजिएगा? सम कर दीजिएगा। समझ में आ गया? क्या कर दीजिएगा उसका सम, तो वो क्या निकल जाएगा आपका? पैरामीटर। क्लियर है? अब देखिए इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 10.1 फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच शेप। आपको ये कुछ शेप्स दे रखी हैं बच्चों ग्राफ के अंदर, ठीक है। ईच शेप इफ ईच साइड ऑफ ए स्मॉल स्क्वायर एंड स्क्वायर ग्रिड मेजर 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ये आपको कुछ स्क्वायर्स यानी एक ग्राफ होता है बच्चों इस तरीके का पेपर, उसपे आपको कुछ शेप्स दे रखी है और आपको क्या निकालना है इसका? पैरामीटर। तो कैसे निकालना है बच्चों? कोई डरने वाली बात नहीं, सिर्फ आपको ये काउंट करने हैं। देखिए आप यहां से एक पॉइंट से लग जाइएगा, यहां से देखिए ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2, ये 3 4 5 6, ये अलग अलग बॉक्सेस को ऐसे 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर 10 11 12 13 14। तो यहां तक आ गए हम, चारों तरफ से काउंट कर लाए ना, और इसने बोला है कि एक बॉक्स कितने का है? 1 सेंटीमीटर का है। ये इतनी दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर की। तो ये पूरा का पूरा पैरामीटर इसका कितना आ गया बच्चों? 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। मैंने इसी में लिख दिया है, आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको एक काउंट करने है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया? 12। तो इसका कितना आ गया पैरामीटर? 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको एक काउंट करके पैरामीटर आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये कुछ फिगर्स दे रखी हैं और आपको इनको क्या निकालना है? पैरामीटर। बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, आपको क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है ना, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है। आपको सीधा ये जितनी सबकी देखिए मेजरमेंट दे रखी है ना, तो आपको इन सबको क्या करना है? प्लस करना है। इसको 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 प्लस करोगे तो इसका पैरामीटर आ जाएगा, ये 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 प्लस करोगे तो आप ये पैरामीटर आ जाएगा। क्लियर है? जैसे कि हम ये वाली फिगर क्वेश्चन नंबर ए करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट करते हैं, तो आप देखिए हमें क्या लिख देंगे? पैरामीटर। पहले फॉर्मूला लिखोगे बच्चों, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सारी की सारी साइड्स का क्या लेंथ का क्या कर दोगे? सम। अब ये कितना है? 4। तो 4 प्लस क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 4 4 8 12 और 16, कितना आ गया? 16। और ये सेंटीमीटर में दे रखी थी ना सारी चीजें, तो हमारा आंसर भी किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर में। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर आपको बी वाला पार्ट कर देना ये, तो 8 + 6 + 8 + 6 सबको ऐड कर दो। ऐसे सबको आप ऐड करते चले जाओ जितना भी दे रखा है, और इस तरीके से आपका क्या निकलता चला जाएगा? पैरामीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप करो तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। एच वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूं, पहले यही लिखेंगे, पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो पहला यहां से एक पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं, कितना है? 40 40, फिर है 30, फिर 20 और फिर है 50। अब सबके पीछे क्या है? सेंटीमीटर। तो आंसर हमारे किस में आएगा? सेंटीमीटर में, ठीक है। अब हम इसको प्लस कर लेंगे, कितना हो गया? 70 टू 90
है ना, और 5140 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेजर द साइड्स ऑफ द ईच शेप्स एंड फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच शेप। आपको स्केल पे ऐसे रख के, ये स्केल के ऊपर, मेरे पास फिलहाल अभी स्केल नहीं है बच्चों, आप यहाँ स्केल रख के ऐसे ये लेंथ मेजरमेंट करोगे कि कितनी है वो इसके नीचे लिख दीजिएगा, फिर आप ये मेजरमेंट करोगे कितनी है वो यहाँ लिख दीजिएगा, फिर ये मेजरमेंट करोगे कितनी है वो यहाँ लिख दीजिएगा, फिर ये मेजरमेंट करोगे कितनी है वो यहाँ, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा और सबको क्या कर देना, प्लस कर देना, वो क्या निकल जाएगा, पैरामीटर निकल जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।